प्रेडिक्शन की बात करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है जनरली कि जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज में मैं डील करता हूं, उस प्रोडक्ट में डील करने वाली जो दूसरी फर्म्स हैं उनके साथ मेरी फाइट है, या इस इंडस्ट्री की जो दूसरी मेरी राइवलरी है उनके साथ मुझे एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, ताकि मैं जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को फेस कर सकूं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर से ऊपर उठ सकूं। लेकिन माइकल पोर्टर के इस फाइव फोर्सेस मॉडल को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि कंपटीशन एक तरफ से नहीं आता। अगर एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है तो एक कॉम्पिटिशन की नहीं बल्कि पांच पांच तरह के कॉम्पिटिशन की हमको तैयारी करनी होगी, पांच तरह के कॉम्पिटिशन को तैयार करना होगा। तो वो पांच तरीके का कॉम्पिटिशन किस तरह से आता है और क्या है वो पांच कॉम्पिटिटिव प्रेशर, तो उसकी हम बात करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन क्या है? तो माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल सप्लायर न्यू एंट्रेंट बायर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड राइवलरी अमंग फर्म, ये पांच फोर्सेस मॉडल हैं जिसमें इन्होंने पांच तरह के कॉम्पिटिशन की बात की। क्या कहते हैं ये? तो कहते हैं सबसे पहला जो हमारा कॉम्पिटिशन है वो किसके साथ है? राइवलरी अमंग फर्म, हमारे अलावा जो मार्केट में दूसरे सप्लायर हैं, जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो दूसरी फर्म्स हैं, वो हमारी मेन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर हैं, जो जनरली देखने में भी लगता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे को कंपटीशन देते हैं वो देते हैं हमारे सप्लायर, जो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का पार्ट है, जिनसे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो हमारे में कॉम्पिटिटर हैं। कैसे कॉम्पिटिटर हैं? क्योंकि अगर मार्केट के अंदर हमारी रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ती है तो हमारे सप्लायर क्या करेंगे? रेट बढ़ा देंगे। और जब सप्लायर रेट बढ़ा देंगे तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, जो फिनिश गुड्स है, उसके रेट ऑटोमेटिकली क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं प्राइस वॉर का सामना करेंगे, इसलिए हमारा सप्लायर पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो सप्लायर भी हमारा किसका पार्ट है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट है। उसके अलावा और कौन है? तो इसके अलावा है न्यू एंट्रेंस मार्केट में, जो फॉर्म्स हैं ऑलरेडी वो तो हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इसके अलावा मार्केट में न्यू एंट्रेंस के आने का जो खतरा है वो भी हमारी क्या है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इसके अलावा बायर या कस्टमर, जो हमारे कस्टमर हैं, वो भी हमारे लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्योंकि बायर से भी हमें क्या मिलता है? कॉम्पिटिशन मिलता है। अगर हमारे कस्टमर ब्रांड लॉयल कस्टमर नहीं है, या हमारे ऐसे कस्टमर नहीं है जो हमारे ही अलावा कहीं नहीं जाएंगे, तो वो कस्टमर हमारे लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट है, क्योंकि वो कस्टमर दूसरे फॉर्म्स के पास शिफ्ट कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए भी हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होती है कि हमारा कस्टमर कहीं बाहर ना जाए। और लास्ट हमारे जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का पार्ट है, दैट इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट की जगह यूज किए जा सकते हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल, जैसे चाय कॉफी, तो ये भी हमारे लिए एक पार्ट है। अगर हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड इफेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन हमको भी फेस करना पड़ेगा। तो ये पांच फोर्सेस मॉडल हमको बताता है कौन कौन से हमारे फोर्सेस हैं जो कॉम्पिटिशन हमको देते हैं। राइवलरी अमंग फर्म, यानी कि एग्जिस्टिंग फर्म्स, न्यू फर्म्स, सप्लायर, कस्टमर और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट।